वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज सर्च। ये चैनल है आपके कॉलेजेस, करियर्स और कैंपस रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट, ये मैं आपको बताऊंगा इस चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि वो है अबाउट टॉप 5 जॉब्स जो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मिलता है और जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है आज के डेट में। 10 लाख प्लस फिक्स तो मिल ही रही है, CTC 20-30-40 लाख का भी बन सकता है, क्योंकि CTC और फिक्स सैलरी में अंतर होता है। तो ये जो पांच करियर्स है ना दोस्तों, ये जो पांच जॉब्स हैं, ये ग्रेजुएशन के बाद टॉप 5 जॉब्स है। तो ये हो सकता है इंजीनियर को कुछ मिले, कुछ बीकॉम बीबी वालों को मिले, कुछ किसी और को मिले, वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिल सकता है। बट दीज जॉब्स आर हॉट जॉब्स राइट नाउ आफ्टर कॉलेज, और ये अभी उभर के आए, लाइक एट इन दिस डिकेड 2020 के बाद दीज आर द जॉब्स इन विच पीपल आर गेटिंग द हाईएस्ट सैलरीज। पहले मैं आपको बता दूँ इन जॉब्स के बारे में बात करने से पहले कि कोई भी जॉब का, प्रोफेशन का सैलरी कैसे डिसाइड होता है कि वो कितना ज़्यादा दे या कितना रखे। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, पर मैं आपको समझाने के पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, आपका एक बड़ा बिजनेस है, आपके पास अच्छा पैसा आप कमा लेते हो, समझ लो 1 करोड़ आप कमा लेते हो साल का। अब आपको 2 जॉब्स देने हैं जिससे आपका बिजनेस 1.5 करोड़ हो जाएगा साल का, ठीक है। अब आपको वो जॉब के बंदे अगर ईजिली मिल जाएंगे, कितना ईजिली उनका स्किल रेप्लीकेट हो जाएगा, बेसिकली उनका सप्लाई कैसा है, उस हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होगी। अगर आपको ऐसे 2 बंदे चाहिए जो इजीली रेप्लीकेबल है, जो कोई भी कर ले, राइट, जो आपका एक आदमी करे तो भी वैसा ही काम हो, दूसरा आदमी करे तो भी वैसा ही काम हो, नॉर्मल 12th क्लास पास बच्चा कर ले, तो आप उसकी सैलरी क्यों ज़्यादा दोगे? क्यों? क्योंकि कोई भी वो काम कर रहा है ना, वो काम से मतलब है, वो काम कोई भी कर रहा है, दैट्स इजिली रिप्लेसेबल, दैट स्किल इज इजिली यू कैन गेट इन द मार्केट, राइट, यू कैन इजिली गेट दैट स्किल इन द मार्केट। तो इससे सैलरी डिसाइड होती है कि डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, आपको कितनी ज़रूरत है उस रोल की और सप्लाई कितना इजीली अवेलेबल है। तो ये जो जॉब्स है ना दोस्तों, ये आज के डेट में सप्लाई उतना इजी नहीं है, क्वालिटी जॉब्स की सप्लाई उतनी इजी नहीं है, इसलिए इनकी सैलरी ज़्यादा है। हो सकता है कि इस लिस्ट में कोई जॉब का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जॉब भी बहुत हाई पेइंग हो सकता है अगर उसका सप्लाई बहुत कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। अगर पूरे इंडिया में सिर्फ 10 ही लोग हैं वैसे उस प्रोफेशन के और डिमांड 100 है, तो भी उसका सैलरी ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 ही लोग मौजूद हैं इंडिया में उस जॉब के और डिमांड 10x है। उस तो उस जॉब का नाम तो वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं उस जॉब का नाम, पर उन 10 लोगों को उन जॉब का नाम पता है। दोस 10 पीपल नो द नेम ऑफ दैट जॉब एंड दे पोजेस द स्किल्स नीडेड फॉर दैट जॉब, एंड वो 100 लोग जो वो जॉब चाहिए, जिनको वो लोग चाहिए, उनसे अगर वो कनेक्टेड हो तो कितनी भी सैलरी मांग सकते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें पता है यार कि मेरे लिए 10 लोग खड़े हैं लेने के लिए। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कोई भी प्रोफेशन में जाने से पहले, और ये डिसाइड करना कि उसमें सैलरी कितनी होगी। तो अभी मैं जिन जॉब्स का बात करने वाला हूँ उनका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब जितना कंपनीज को वो लोग चाहिए उतने लोग हैं नहीं ट्रेन मार्केट में। पहला जॉब है दोस्तों डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट 2000 के बाद उभर के आया है, आपने सुना होगा बहुत इसके नाम अभी, डेटा साइंस, क्योंकि नाम ही इतना टेक्निकल है, इसे सप्लाई बहुत कम है। एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट इंडिया में क्या वर्ल्ड में बहुत कम है। डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो कोई भी ऐप का, कोई भी चीज़ का एल्गोरिथम बनाता है। आप उबर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक एल्गोरिथम बना हुआ है, राइट, कि कौन सा कैब आपके पास आएगा, कौन सा रूट उबर वाले को लेना चाहिए, ड्राइवर को कौन सा रूट लेना चाहिए, किस मैकेनिज्म से मैं ड्राइवर को रेटिंग दूँ, कैसे उसको इंसेंटिव मिलेगी, पूरा एक एल्गोरिथम, एक मशीन है, आदमी तो नहीं कर रहा ना, उस ऐप में एक मशीन ये काम कर रहा है, वो मशीन का एल्गोरिथम एक आदमी ने बनाया है, वो आदमी है डेटा साइंटिस्ट। ही प्लेज विद एल्गोरिथम्स, ही प्लेज विद डेटा, ही प्लेज विद डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड जनरली ही हैज ईदर इन इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स डिग्री और बीटेक डिग्री, कभी कभार एमबीए डिग्री भी। तो जैसा मैं बताया था कि मैं आपको डिग्री भी बताऊंगा जॉब्स के साथ। तो डेटा साइंटिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया करते क्या है, वो करते हैं एल्गोरिथम के साथ खेलते हैं। आजकल इतने सारे ऐप्स जो आप यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट में आपको ग्रोसरी मिल रही है, 2 मिनट में आपको उबर मिल रहा है, 1 मिनट में आपका पेमेंट हो रहा है कोई ऐप में, ये एल्गोरिथम बना रहा है, क्योंकि कहीं भी इसका हेर फेर हुआ तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम किंग है, ये एल्गोरिथम को एक डेटा साइंटिस्ट बनाता है, हर वक्त इस एल्गोरिथम को अपडेट करने का जरूरत पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1, नंबर 2, देयर नॉट मेनी डेटा साइंटिस्ट्स इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि अभी तो उभर के आया है ये जॉब अभी 2000 के बाद उभर के आया है, तो लोग अभी करने लगे हैं ये चीज़ का पढ़ाई और इस चीज़ में जाने का प्रयत्न। तो दैट्स वाई सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि उभर के ई कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं, सबको अब एल्गोरिथम बनाना है,
कोई भी कंपनी उसका ऐप बन रहा है उसमें एक एल्गोरिथम जाएगा। Uber, Zomato, Blinkit, Grofers कोई भी आप ले लो यार, आज के डेट में ई-कॉमर्स कंपनीज इन्वेस्टर पैसा दे रहे हैं, उनको ऐप बनाना है, डेटा साइंटिस्ट की जरूरत आ रहा है। डेटा साइंटिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सैलरी 1 करोड़ तक मिल जाती है 3-4 साल के एक्सपीरियंस में ही। स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख के तो ऊपर होता है, 20-30 लाख भी होता है। इसमें इकोनॉमिक्स वालों को मिलता है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ISI करके कॉलेज है, स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। बीटेक वालों को भी मिलता है, IIT जाते ही हैं, MBA भी कभी कभार इसमें जाते हैं। डेटा साइंटिस्ट टॉप इन द लिस्ट। सेकेंड करियर जो है दोस्तों, उसमें भी सेम डेटा साइंटिस्ट के सारे गुण हैं, मतलब ये भी अभी उभर के आया है जॉब, 2000 के बाद ये जॉब उभर के आया है। इसमें 5 साल के एक्सपीरियंस में भी लोग 40-50 लाख कमा रहे हैं। रोल है प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर बहुत आजकल सैलरी दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो। ISB जो कि 1 ईयर MBA कराता है, यहाँ पे 25-30 लाख का एवरेज सैलरी मिलता है, फिक्स सैलरी भी 20 लाख के ऊपर मिलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब ही प्रोडक्ट मैनेजर्स के, फ्रेशर्स प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं, मतलब 2 साल का इनका एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है, पर वो 2 साल का आपका क्राइटेरिया एक्सपीरियंस है तो आप प्रोडक्ट मैनेजर आराम से बन जाते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक कंपनीज तो प्रोडक्ट मैनेजर रोल देती ही हैं, ई कॉमर्स कंपनीज भी प्रोडक्ट मैनेजर रोल देती हैं, ऊबर, एनी अदर ई कॉमर्स कंपनी, ओला। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, वो पूरा ऐप बनाता है। जैसे मैंने बोला डेटा साइंटिस्ट तो एल्गोरिथम बनाता है, एल्गोरिथम बन रहा है डेटा वाला, लेकिन उसके ऊपर ऐप बन रहा है जिसमें हम खेल रहे हैं। आप और हम जब मान लीजिए अमेजोन से सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम अमेजोन का दुकान नहीं जा रहे ना। अगर कोई बहुत बड़ा दुकान हो ना, तो देखो वो दुकान कितना बढ़िया से बना हुआ होता है। अगर कोई बहुत बड़ा दुकान हो, रिटेल स्टोर हो जो करोड़ों का सेल कर रहा है, वो दुकान इतना बढ़िया बना हुआ होगा, वहाँ पे सामान एक जगह होगा, वहाँ आप जाओगे तो आपको पहले एक तरह के सामान मिलेंगे, वो स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि आप सामान खरीद लो जो वो बेचना चाहता है। सिमिलरली प्रोडक्ट मैनेजर में पूरे इंडिया ई कॉमर्स कंपनी से पूरे इंडिया में आदमी खरीद रहे हैं ना, अमेजोन में आप खरीद रहे हो। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो आपसे बहुत दूर बैठा है वो भी खरीद रहा है, मैं दिल्ली में बैठ के खरीद रहा हूँ, आप बॉम्बे में बैठ के खरीद रहे होंगे, मेरे पापा मम्मी चाहें तो बिहार बंगाल में बैठ के खरीद रहे होंगे, मेरे चाचा मामा चाहे तो राजस्थान में बैठ के खरीद रहे होंगे। तो वो दुकान ऐसा है कि कहीं से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। वो दुकान क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऐप इज एक्चुअली द दुकान, उसको मैनेज करता है प्रोडक्ट मैनेजर दोस्तों। तो सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम इंपॉर्टेंट है, इसे सैलरी ज्यादा है। अगेन क्योंकि रोल अभी उभर के आया है, क्योंकि 2000 के पहले ये रोल था ही नहीं, तो लोग अभी आने लगे हैं, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए भाई बहुत सैलरीज है प्रोडक्ट मैनेजर में भी। अगर आपने उबर का ऐप बनाया है और मैं सोचो मैं कोई राइड हेलिंग कंपनी और बना रहा हूँ, नई स्टार्टअप, मुझे एक इन्वेस्टर ने भरोसा करके पैसा दिया, फंडिंग दे दी $20 मिलियन की, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं अभी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट मैनेजर हायर करना है। अब कोई उबर वाला है प्रोडक्ट मैनेजर, मैं उसे बहुत पैसे दूंगा ना, क्योंकि यार वो प्रोडक्ट बनाया, मुझे तो नहीं आता प्रोडक्ट बनाना, मैं तो धंधे वाला इंसान हूँ, मैं बिजनेस वाला इंसान हूँ। दैट्स वाई प्रोडक्ट मैनेजर इज अ वेरी हाई पेड जॉब। अब मिलता किनको है, IITians को तो मिलता है, इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट मैनेजर बहुत ज़्यादा मिलता है, MBAs को बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे मैंने बताया ISB वालों को भी मिलता है। तो जनरली गुड इंजीनियर्स एंड गुड MBAs, मतलब पीपल फ्रॉम गुड MBA कॉलेजेस आर गिवन दिस जॉब। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रोफेशन है वो इतना ज़्यादा न्यू नहीं है डेटा साइंटिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर की तरह, तो इसमें सैलरी इतनी एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है कि 3 साल में आपको 4 साल में भी 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, जो डेटा साइंटिस्ट में हो सकता है, हो सकता है। कोई बोलेगा मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है, 28 साल का लड़का हूँ, 1 करोड़ कमा रहा है, डेटा साइंटिस्ट अगर प्योर प्ले है हो सकता है, क्योंकि मार हो रही है। ये जो अभी मैं 3, 4 और 5th में बताऊंगा प्रोफेशंस, इसमें इतना मार नहीं है क्योंकि ये पुराने प्रोफेशंस हो गए, तो लोग मार्केट में है, तो आप एस्ट्रोनॉमिकल सैलरी मांगोगे किसी से तो कोई क्यों देगा, बोलेगा यार ठीक है तू बहुत बढ़िया है पर मैं कोई और तेरे जैसा बजा ढूंढ लूंगा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट सैलरीज आर स्टिल वेरी हाई इन दीज प्रोफेशंस। थर्ड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वेरी हाईली पेड। लोग IIT जाते क्यों है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे गूगल में काम करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो सैलरी होती है 20-30-40 लाख, फॉरेन के प्लेसमेंट्स होते हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, डिमांड भी है, सप्लाई है, उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए पर सप्लाई हो रहा है। सैलरी एस्ट्रोनॉमिकली हाई क्यों नहीं है, क्योंकि लोग मार्केट में हैं, पीपल आर देयर इन द मार्केट, इतना खोजना नहीं पड़ रहा एकदम माइक्रोस्कोप लेके कि बंदे मिल नहीं रहे, क्योंकि प्रोफेशन ही 40-50 साल से है, इंजीनियर्स 1990 से तो है मार्केट में, राइट। बट इफ़ यू आर एन इंजीनियर इन गूगल, इफ़ यू आर फ्रॉम IIT, 10 लाख से ऊपर की सैलरी तो मिलती ही है, CTC 30-40 लाख की भी मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। थर्ड इन द लिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रोफेशन, फोर्थ जॉब है बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजमेंट कंसल्टिंग का। तो अगर आप MBA हो तो कंसल्टिंग रोल्स मिलते हैं, अगर आप BCom BBA इंजीनियर हो तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल्स मिलता है, पर इनमें कंपनीज बहुत हेवी वेट आती है जो बहुत अच्छा सैलरी देती है। तो बहुत लोग ना आप जब बात करोगे ना सैलरीज का IIM IIT का, तो एक कंपनी का बहुत बात होगा, मैं आपको बताता हूँ, उस कंपनी का नाम McKinsey बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG Bain, इसको होली ट्रिनिटी बोला जाता है, ये कंपनीज की एक होली ट्रिनिटी है, McKinsey, बॉस्टन, बेन।
मैकिंजी बीसीजी बेन, ये जहाँ भी जाती है प्लेसमेंट के लिए उस कॉलेज में उनको पहला स्लॉट मिलता है। तो अगर कोई कॉलेज है ना तो उसमें प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट डे वाइज होता है, मतलब किसी को पहला दिन मिलेगा, जिसको पहला दिन मिलेगा प्लेसमेंट के लिए उनको अच्छे बच्चे मिलेंगे, जिनको दूसरा दिन मिलेगा उनको उतने अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बच्चे प्लेसमेंट हो चुके होंगे उनका, तो वो चले गए कॉलेज से। किन्जी बॉस्टन और बेन जहां भी जाती है वो जनरली डे जीरो लेती है, डे जीरो का मतलब सबसे पहला दिन लेती है प्लेसमेंट का। इससे पता पड़ता है कि ये कंपनी ज्यादा सैलरी देती है और बच्चे इस कंपनी में जाना चाहते हैं, और ये जनरली बिजनेस एनालिस्ट या मैनेजमेंट कंसल्टिंग का प्रोफाइल देती है, इसलिए मैं इनका बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैकिंजी बॉस्टन बेन अब कहाँ जाती है, ये IIT जाती है, कॉमर्स कॉलेजेस भी जाती हैं, वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का रोल देते हैं, SRCC सुखदेव जैसे कॉलेज जाती है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही तगड़ा कॉलेज है सेंट स्टीफन्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वहाँ पे होता है, वहाँ पे मैकिंजी बॉस्टन बेन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होली ट्रिनिटी है, तो जहाँ भी जाएगी ये आपको बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजमेंट कंसल्टिंग का रोल देगी, इनके कारण ही ये प्रोफेशन इतना उभर के है। तो क्या हो गया, इन्होंने बार इतना हाई सेट कर दिया है कि बाकी कंपनी जो है PwC EY और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इस लाइन में वो भी अच्छी सैलरी देते हैं, एंड दैट्स वाई दिस इज फोर्थ इन द लिस्ट। फिफ्थ जॉब जो है दोस्तों वो अभी 2010 के बाद बहुत उभर के आया है। अगर आप न्यूज़ ट्रैक करोगे और जो इस प्रोफेशन में वो जानते हैं कि 2010 के बाद सैलरीज एस्ट्रोनॉमिकली हाई हो गई इस लाइन में, इसका कारण एक है कि 2010 के बाद से सप्लाई बहुत बढ़िया हो गया है इस फील्ड का, बहुत अच्छे लोग मार्केट में आ गए। द जॉब माय डियर फ्रेंड्स इज कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, नॉर्मल लॉ नहीं, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के कुछ कंपनीज हैं अमरचंद मंगलदास लॉ फर्म्स बोलते हैं, अमरचंद मंगलदास, AZV, खैतान करके कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, ये आपको बहुत हाई सैलरी स्टार्टिंग देती है 15-20 लाख के। और इनमें क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ जॉब का, एक बात और बताता हूँ सैलरी का, पैसा कमाने का। कुछ कंपनीज में आप अगर आगे बढ़ोगे ना, ग्रोथ होगी आपकी कुछ कंपनीज में, तो आप एक CEO बनोगे, पर हो सकता है आपको प्रॉफिट का हिस्सा ना मिले। जब तक प्रॉफिट, एक जो CEO है वो कंपनी का ओनर नहीं होता है। तो मान लीजिए एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स का ओनर कोई बैठा हुआ है 1950 से, वो है एक फैमिली ग्रुप है, मारवाड़ी फैमिली ग्रुप, वो एशियन पेंट्स के ओनर है, पर जो CEO है वो IIM बैंगलोर का है आज के डेट में, वो IIM अहमदाबाद बैंगलोर का रखते हैं। तो CEO की सैलरी ऑफकोर्स हाई है, 10 करोड़ की तो है होगी, 10 करोड़ प्लस सैलरी इतना मुझे पता है, लेकिन उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इनको मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर उसे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा है तो उसकी सैलरी तो लिमिटेड हो गई, 10 करोड़ EV पर सैलरी लिमिटेड हो गई। अगर मैं किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा हूँ, भले 0.5% लूँ और मेरा रेवेन्यू है 1000 करोड़, तो सोचो उसकी सैलरी कैप भी नहीं है। ये होता है लॉ फर्म्स में, इसलिए लॉ में इनिशियल सैलरी तो ज़्यादा होती है, पर क्योंकि लॉ फर्म से आप पार्टनर बन सकते हो, लॉ फर्म्स में आप CEO नहीं बनते, आप पार्टनर बनते हो, पार्टनर बनते हो क्या हुआ, जितना क्लाइंट्स आया उसका कुछ हिस्सा आपको मिला। तो अगर आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको ओनर के लेवल का एक कुछ शेयर मिला और आप ओनर के लेवल पे आ गए, आप ओनर बन गए कंपनी के। इसीलिए कॉर्पोरेट लॉ को मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ कई और प्रोफेशंस के अलावा। तो खैतान, AZV, अमरचंद मंगलदास में आप जाते हो एसोसिएट में, 15-20 लाख का सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस भी आपका जितना काम किया उसके हिसाब से मिलेगा, पर 8-9 साल बाद भी लोग पार्टनर बन जाते हैं, एसोसिएट पार्टनर बन जाते हैं 10 साल बाद। तो एट द एज ऑफ 33 पीपल बिकम पार्टनर्स, 33 के एज में मुझसे 3-4 साल ज़्यादा बड़े लोग एक बड़े लॉ फर्म का ओनर है। पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि वो ओनर है, पार्टनर है, तो जो भी कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है उसका हिस्सा उन्हें मिल रहा है भाई, तो सैलरी लिमिटेड नहीं है, इसलिए इसको इस लिस्ट में रख रहा हूँ। अगर आप डेटा साइंटिस्ट भी बन रहे हो ना, आप चीफ डेटा साइंटिस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी का कुछ मिले या नहीं मिले ओनरशिप। ओनरशिप तब मिलेगा जब आपको ESOPs मिलेंगे, स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। हम बोलते हैं ना शेयर्स खरीदो, जो शेयर खरीदे ओनर बन रहे, बहुत छोटा ओनर बन रहा है, पर अगर आज मैं एशियन पेंट्स का एक शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं उसका एक छोटा ओनर बन रहा हूँ। डेटा साइंटिस्ट को कंपनी ESOPs देगा तब ओनर बनेगा, बनेगा ठीक है, पर लॉ फर्म्स में जो लास्ट प्रमोशन होता है ना वो पार्टनर लेवल का प्रमोशन होता है, वहाँ चीफ लॉ ऑफिसर नहीं होता, वहाँ पार्टनर होता है, ऐसा बनाया हुआ है एक हायरार्की, इसीलिए आप ओनर बन जाते हो लॉ फर्म के, इसीलिए वो इस लिस्ट में है। और सप्लाई अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल्स ओपन अप हो गए 2002 के बाद, पहले नेशनल लॉ स्कूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्लैट बोल के जो एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो 2008 के पहले नहीं था क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल्स ही नहीं थे। 2007 में पहला क्लैट का एग्जाम आया था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उससे 7 लॉ स्कूल्स का एडमिशन हो रहा था, NLS बैंगलोर, नालसार, NUJS, HNLU, NLU जोधपुर, NLU भोपाल और GNLU, ठीक है, उस वक्त 7-8 ही NLUs थे, आज के डेट में 20 से ज़्यादा NLUs है और 17-18 का क्लैट से एडमिशन होता है, तो सप्लाई बढ़ गया है। NLU क्या है, IIT के जैसा ही लॉ का डिग्री दे रहा है, तो IIT से इंजीनियरिंग अच्छा हुआ, क्यों, क्योंकि IITs के पास गवर्नमेंट का पैसा है, IIT से अच्छे इंजीनियर्स क्यों निकलते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनको पैसा दे रखा है बहुत ज़्यादा,
गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है, उससे क्या हो रखा है कि वो अच्छे प्रोफेसर लाते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं, बच्चे भी अच्छा जाना चाहते हैं, फिर कंपनी जाती है प्लेसमेंट लेने के लिए। ये पूरा एक मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पैसे के लिए नहीं, गवर्नमेंट चाहता है कि मैं उसको एकदम बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाऊं, तो उस वजह से एक पूरा सिस्टम बन गया है कि पैराफर्नेलिया है। पैराफर्नेलिया मतलब कि आपको इंजीनियर बनने के लिए कुछ भी चाहिए वो आईआईटी के पास मिलेगा, प्रोफेसर्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, आपको जगह मिलेगा, लैबोरेटरी मिलेगा, रिसर्च करने के लिए चीज़ें मिलेंगी, फिर आप अच्छे बच्चे निकल के आएंगे 3-4 साल वो बाद वो कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तब जाके कंपनीज उनको उठाएंगी। यही चीज आईएम में हुआ, अब जाके 2000 के बाद एनएलयू में वो चीज़ हो रहा है। इसलिए कॉर्पोरेट लॉ आज उभर के आ गया है, और कॉर्पोरेट लॉ से कॉर्पोरेट लॉ तक सीमित नहीं है, मतलब अगर आप एनएलयू से निकलते हो तो आप मैकिंजी में भी जॉब कर सकते हो, जो मैंने बताया था अभी वीडियो में पहले कि मैकिंजी होली ट्रिनिटी का पार्ट है जो बहुत सैलरी देती है, वो एनालिस्ट बैंगलोर भी जाती है दोस्तों, और बिजनेस एनालिस्ट का रोल देती है, वो वहाँ क्यों जा रही है, वहाँ क्यों जा रही है, उन्हें अच्छा बच्चा चाहिए, उसे पता है कि मैं होली ट्रिनिटी हूँ, उसे अच्छा बच्चा चाहिए, उसे अच्छा बच्चा एनालिस्ट बैंगलोर में मिल रहा है जहाँ 50,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं और सिर्फ 60 सीट है, तो अच्छा बच्चा मिल रहा है इसलिए वहाँ जा रही है। एनी वे द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई नाउ, बिकॉज ऑफ द सप्लाई विच इज वेरी गुड, द डिमांड हैज बिकम हाई, सप्लाई इतना अच्छा आ गया तो लोगों में एक आ गया कि मैं हर जगह काम नहीं करूंगा, तो डिमांड ज्यादा हो गया इसलिए सैलरीज बढ़ गई। और दूसरा रीजन जो मैंने बताया कि पार्टनर बन जाते हैं, तो पार्टनर बनने के बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है यार, कोई सैलरी थोड़ी है, तभी आप ज्यादा अमीर बनोगे ना, कोई पूछेगा भाई सैलरी कितनी है, तो आप लिमिट कर रहे हो कितनी सैलरी होगी, एक नंबर रहेगा ना 100 करोड़ 1000 करोड़, अगर आप पार्टनर हो क्या पता नंबर ही नहीं है कोई, मैं गिन नहीं पाता, जो भी योर सैलरी विल नॉट बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर नंबर इन दैट ईयर, इस महीने आप कमा रहे हो 10 करोड़, अगले महीने आप 20 करोड़ भी कमा सकते हो, बिजनेस में पॉसिबल है क्योंकि आप हिस्सेदार हो प्रॉफिट का। कॉर्पोरेट लॉ फिफ्थ इन द लिस्ट, आपको इनमें से कौन सा पसंद है सैलरी के हिसाब से मत करो, आप जो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया कि आप करते क्या हो, जो मैंने डेटा साइंस से बताया कि क्या करना होता है, प्रोडक्ट मैनेजर बताया कि क्या करना होता है, आपको करना क्या है, इन पांचों में जो करना है वो करो, फिर आप अच्छी जगह से करोगे जो मैंने नाम लिया, तो आपको सैलरी अच्छी मिली जाएगी। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर।